अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। अगर आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ चिकन बना रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1/2 kg। प्याज मैंने लिए दरमियाने साइज़ के 2 अदद। 1 अदद मैंने टमाटर लिया दरमियाने साइज़ का। 6 जो है लहसुन के लिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। गार्निशिंग के लिए जो मुझे चाहिए, हरा धनिया फ्रेश मैंने लिया हुआ है और साथ में हरी मिर्च है। अब हम आते हैं खुशक मसालों की तरफ। इसमें मुझे चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, साबुत जीरा सफ़ेद और पिसा हुआ जीरा, और तेल हसबे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल रही हूँ मैं, थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल करें आप। और साथ में मैं डाल दूंगी इसके अंदर प्याज जो मैंने काट के रखी हुई है। बिस्मिल्लाह। कोशिश करें कि ज़रा एहतियात करें ताकि छींटे वगैरह ना आए ऑयल के, नहीं तो फिर हाथ गल जल जाते हैं। प्याज मैंने डाल दी हुई है, अब इसका कलर चेंज होने तक मैं थोड़ी देर इंतजार करूँगी। जैसे इसका कलर चेंज होगा, खुशबू आएगी, उसके अंदर डालेंगे फिर हम अदरक लहसुन। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे ही इसके अंदर 1 से 2 सेकंड के अंदर खुशबू आएगी तो फिर मैं बाकी जो है मसाले और टमाटर साथ में डाल दूंगी और चिकन। अदरक लहसुन में से खुशबू आने लगी हल्की सी, तो मैं इसमें डाल दूंगी पानी थोड़ा सा। साथ ही इसके डाल दूंगी चिकन जो मैंने धो के रख लिया था। चिकन को अच्छे तरीके से धोएं। जब भी गोश्त को या हांडी पकाने से पहले या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो प्लीज़ अपने हाथों को मेक श्योर बहुत अच्छे तरीके से हैंड वॉश से या साबुन से धोएं। चिकन का कलर चेंज हो चुका हुआ है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले। इसलिए लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून। हल्दी में डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून। धनिया में डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून भर के। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। फिलहाल मैं खोया डाल दूँ और साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च की सूखी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सफ़ेद जीरा साबुत 1/2 टीस्पून और साथ में मैं डाल दूंगी टमाटर। अगर आप चाहें तो इसकी जगह टमाटर की जगह दही का भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी और टमाटर भी, जो आपके पास घर में हो आप उसका इस्तेमाल कर लें। खानों का मज़ा भी अच्छा आता है घर की चीज़ों से और खुशी भी होती है आपको अपने घर वालों के लिए खाना बनाना फ्रेश। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर दूँगी। मसाले की जो खुशबू आना शुरू होगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून पानी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मुर्गी अपना पानी भी छोड़ती है। जब ये अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा, मुर्गी के अंदर जो मसालों का इसका जो जूस है वो चला जाएगा, टमाटर का कच्चापन और प्याज का ये सारा मिक्सअप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं डालूंगी इसके अंदर जिस हिसाब से मैंने पानी या ग्रेवी रखी है। अभी मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर। मसाला तकरीबन भून चुका है, तकरीबन ही मुकम्मल भून चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी इस स्टेज पे थोड़ा सा धनिया, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। हरी मिर्च डालूंगी थोड़ी सी जो मैंने काट के रखी हुई थी। इस सब के मिक्स करने का मकसद ये होता है कि ज़रा खाने का मज़ा डिफरेंट होता है। और साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी मैं पानी थोड़ा सा, बिल्कुल डाल दूँ। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तक मैं 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे, फिर हम इसको दोबारा देखेंगे।
मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है गोश्त को। बिस्मिल्लाह, पानी नहीं देखिए। अब इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा पानी ताकि थोड़ा रस मिश्रा हो जाए। पानी हमेशा कम डालें पहले, जब तक कि हांडी भून न ले। जैसे ही आपकी हांडी भून जाए अच्छे तरीके से, उसके बाद आप अपनी जरूरत के मुताबिक शोरबा रखना या रस मिश्रा आप पानी डाल सकते हैं। इस वक्त मैं डाल दूंगा थोड़ा सा जिसके अंदर गार्निशिंग के लिए मैंने रखा हुआ था ताज़ा हरा धनिया चॉप करके, थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए और मज़े के लिए, और साथ में डाल दूंगी पिसा हुआ जीरा पाउडर खुशबू के लिए, इससे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर गर्म मसाला पिसा हुआ बिस्मिल्लाह खाने। अब मैं इसके रख दूँगी कवर, 5 मिनट बाद में इसको खोलती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान माशाल्लाह, ये देखिए खाना कितना अच्छा तैयार हो चुका है हमारा मज़ेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।